ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। संसार में सबसे बड़ी शक्ति मन की शक्ति है, और वो आत्माएं जो योग अभ्यास बहुत करते हैं, जो स्वमान में बहुत रहते हैं, जिनके पास ज्ञान का और पवित्रता का श्रेष्ठ बल है, उनके संकल्प तो इस संसार में कमाल कर सकते हैं। साथ में जिन्होंने अपनी बुद्धि की बहुत सफाई कर ली है, अपनी बुद्धि को क्लीन कर दिया है, वो भी कमाल करेंगे। जैसे जादूगर लोग हाथ की सफाई से चमत्कार दिखाते रहते हैं, वैसे ही बुद्धि की सफाई वाली आत्माएं इस संसार में महान कार्य करेंगी, चमत्कारी कार्य करेंगी। तो हमें इस बात की बहुत अच्छी अवेयरनेस रहनी चाहिए कि हमारे पास संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। हम इसको बढ़ाते भी चलेंगे और इसको यूज करके इसके सफल प्रयोग भी करते चलेंगे। संकल्प शक्ति उनकी बहुत बढ़ जाती है जिनके संकल्पों की स्पीड धीमी रहती है, जो ज्ञान मनन बहुत करते हैं, जो स्वमान में रहते हैं, जो योग की पावरफुल स्थिति में रहते हैं, और जो अपने मन में पावरफुल संकल्प क्रिएट करते हैं। हम सब ये करते हैं और इनको बढ़ाते चलें। बाबा का एक बहुत सुंदर महावाक्य याद करें, संसार में लोग बड़े बड़े काम विल पावर के आधार से करते हैं, और तुम्हारे पास तो है परमात्म विल पावर। कितनी बड़ी नशे की बात है, हमारे पास परमात्म विल पावर अर्थात परमात्म शक्तियां हैं, उसने हमें बहुत बड़ी शक्तियां दे दी हैं। तीसरी लाइन बोली, तुम संकल्प से ही जो चाहे कर सकते हो। और चौथी लाइन, मन में केवल एक वही संकल्प हो जो करना चाहते हो। पांचवी लाइन बोली, निगेटिव संकल्प मार्ग में दीवार का काम करते हैं। इस प्रैक्टिस को हम बढ़ाते चलें कि हम अपने पावरफुल स्वमान में स्थित होकर, बाबा से योगयुक्त होकर, वो संकल्प किया करें जो हम करना चाहते हैं। इसका सिंपल सा तरीका है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, परमात्म शक्तियां मेरे पास हैं। बहुत गुड फीलिंग में आएंगे, इसमें भले ही आधा मिनट एक मिनट लगा दें। मैं स्वयं भी सभी ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न हूं और परमात्म शक्तियां मेरे पास हैं। जैसे उसने सिर पर हाथ रखकर मुझे सर्व शक्तियां प्रदान की हैं। और फिर तीसरा संकल्प वो कर दें जो हम करना चाहते हैं। बार बार उसके विपरीत निगेटिव संकल्प मन में प्रवेश कर सकते हैं, परंतु मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, परमात्म शक्तियां मेरे पास हैं, या उसका शक्तिशाली हाथ मेरे सिर पर है, ये बार बार याद करेंगे तो व्यर्थ संकल्प भी समाप्त होते जाएंगे। तो रोज सारा दिन इस विधि के द्वारा हम संकल्प शक्ति का छोटे छोटे कार्यों में प्रयोग करते रहें। किसी से हमें मिलने भी जाना है और वो बहुत देर लगाते हैं मिलने में, या उसके सामने बहुत भीड़ होती है मिलने वालों की, और हम चाहते हैं हमें 5-7-10 मिनट में ही मिलने का अपॉइंटमेंट मिल जाए, तो हम जब चलें ये संकल्प करके चलें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परमात्म शक्तियाँ मेरे पास हैं, अब इनसे हमारी मुलाकात जाते ही 10 मिनट में ही हो जाएगी, तो आप देखेंगे ऐसे ही कुछ कारण बनेंगे और जल्दी से जल्दी उससे मुलाकात हो जाएगी। तो आज सारा दिन हम बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा की शक्तियाँ मेरे साथ हैं, उसका शक्तिशाली वरदानी हाथ मेरे सिर पर है।
और उसकी शक्तियां इस तरह मुझ में समा रही हैं। जब हमें ये नशा रहता है कि वो हमारे साथ है, तो उसकी शक्तियां हम में समाती रहती हैं। सारा दिन इसका अभ्यास करेंगे और कोई ना कोई संकल्प शक्ति का प्रयोग भी करते रहेंगे। ओम शांति।